फिक्की के सभागार में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेलरेटिंग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, दो दिन की इस कार्यशाला में मंच पर विराजमान भारत सरकार के पूर्व कृषि सचिव और जिन्होंने इस माननीय प्रधानमंत्री जी की इस भावना कि हमको किसानों को एक सुरक्षा चक्र ऐसा प्रदान करना है उस सपने को सच के रूप में साकार किया, कंसीव करके डेवलप किया, नर्चर किया, ऐसे भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री राजू सेन साहब, जिनके कंधों पर अब इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी है, ऐसे मेरे कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी आशीष भूटानी साहब, मंच पर विराजमान विनय जी, प्रवेश जी, जतिन सिंह जी और इस दो दिवसीय कार्यशाला में सहभागी बने सारे बंधुओं बहनों, मैं जब भी यहाँ मंच पर परिचय दिया जा रहा था तो मैं सामने लगे हुए प्लकार्ड की तरफ देख रहा था जिसमें महात्मा गांधी जी का एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो उन्होंने फिक्की की चौथी एजीएम को एड्रेस करते हुए 1931 में कहा था कि इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को अपना सम्मान इसके लिए करना चाहिए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि वो गरीबों के ट्रस्टी के रूप में, उनके हितों के धारक के रूप में काम करते हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात की कि 1931 से लेकर के लगभग 8 दशक पूरे होने को हैं, इन 8 दशकों के बाद में भी देश की इंडस्ट्री जो है, जो हमारी सांस्कृतिक प्रतिबद्धताएं थी उन प्रतिबद्धताओं को का अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए आज भी गरीबों, किसानों, मजदूरों, उन सब के हितों के ट्रस्टी के रूप में अपने आप को देखकर उनके हितों का चिंतन, उनके हितों के जुड़े हुए विषयों का चिंतन करती है। मैं फिक्की को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की कृषि क्षेत्र की यदि मैं चर्चा करूं, जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित था और देश की कुल अर्थव्यवस्था में जैसा अनुमान लगाया जाता है और जैसे अनुमानित आंकड़े दिए जाते हैं, लगभग 50% योगदान कृषि क्षेत्र से आता था। कालांतर में कृषि क्षेत्र से रुझान लोगों का बदला, दूसरी अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज का सृजन हुआ और यह यदि आज उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज वो जहां 70% कृषि क्षेत्र में लोगों का आजीविका आती थी वो घटकर के लगभग 50% के आसपास में आ गया है। कुछ अलग अलग स्केल, अलग अलग तरह के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है तो वो थोड़ा बहुत आंकड़े डिफर कर सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 50% हुआ था वो घट करके 14% के आसपास में आ गया है। दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं, अन्य देशों की भी यदि तुलना करें, जिन देशों ने पिछड़े हुए देश से विकासशील देश और विकासशील देश से विकसित देश ऐसी यात्रा को तय किया है, एकाध उदाहरण छोड़कर के बाकी कमोबेश सभी देशों में ऐसा हुआ है कि लोगों ने कृषि क्षेत्र को छोड़कर के अन्य किसी क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया है। और कुछ लोग अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है और इसी इवोल्यूशन के माध्यम से, इसी इवोल्यूशन के कारण से देशों ने प्रगति की है। लेकिन यदि दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के कंपैरिजन में मैं भारत को देखूं तो भारत की स्थिति कंपैरेटिवली डिफरेंट है। एक यूनिक इंस्टिंक्ट भारत के किसान कृषि क्षेत्र की है। जिस तरह की परिस्थितियां भारत में थी, मैं एक किसान होने के नाते ये बात अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि जिस तरह का दर्द किसान के सामने था,
जिस तरह का दर्द गांव, गरीब और मजदूर के किसान और मजदूर इस क्षेत्र के लोगों के सामने था, यदि मैं देश के विभिन्न कालखंडों में जिन लोगों ने शासन किया, यदि 5-5 साल के उन कालखंडों का अध्ययन करें, और ये एक बहुत रुचिकर विषय हो सकता है कि शायद कोई इसका अध्ययन करे कि वो पर्टिकुलर 5 साल किस चीज के लिए जाने जाने चाहिए, यदि इस विषय का अध्ययन करें और कोई मित्र इस पर काम करे, निश्चित रूप से उसको उन 5 सालों में किसी सब्जेक्ट विशेष पर जो काम हुआ है वो 5 साल किसी न किसी चीज को समर्पित है, ऐसा एक आंकड़ा हमारे सामने, एक चित्र हमारे सामने, एक परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। एक 5 साल देश में बैंकों के विलीन, नेशनलाइजेशन के और उससे जुड़े हुए विषयों के लिए याद किए जा सकते हैं। एक 5 साल जो है इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की कल्पना करते हुए इस देश को एक शाइनिंग इंडिया की तरफ ले जाने जाने के लिए याद किए जा सकते हैं। एक 5 साल गरीबी हटाओ का नारा के लिए याद किए जा सकते हैं। एक 5 साल स्कैम्स के लिए याद किए जा सकते हैं इस देश में। और एक 5 साल जो है, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को अगर आने वाले समय में कोई इस दृष्टिकोण से एनालाइज करेगा तो मुझे लगता है कि ये कवरेज प्रदान करने के 5 साल इस दृष्टिकोण से जाना जाएगा। जब प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार यह संकल्पना देश के सामने लाल किले की प्राचीर से रखी कि मैं देश के 10 करोड़ लोगों को 6 महीने में बैंकिंग कवरेज दूंगा, वो टारगेट अचीव हुआ। हम सबको उस बात की जानकारी है, मैं विस्तार से नहीं बात करना चाहता। उसके बाद में जब उन्होंने इस बात को समझा, इस दर्द को महसूस किया कि गरीब आदमी का इंश्योरेंस नहीं होने के कारण से उसको सोशल सिक्योरिटी की कितनी बड़ी समस्या है, 12 रुपए में व्यक्ति को जीवन बीमा ऐसा प्रदान करना, इस बात का कॉन्सेप्ट देश के सामने रखा, करोड़ों करोड़ लोगों ने अपने आप को उस सुरक्षा चक्र के घेरे में, उस कवरेज में के अधीन सुरक्षित ऐसा महसूस किया। देश के किसान की अपनी समस्या थी, और क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेश में भी अनेक जगह खेती करने का ऐसा अनुभव मेरा रहा है, जो किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, जो पूर्ववर्ती समय में भी इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस स्कीम्स ऐसा हुआ करता था, लेकिन उनके होने के बाद में भी जिस तरह से कवरेज की न्यूनता थी, साधारण किसान, छोटे और मझोले किसान, उन लोगों के सामने जो चैलेंजेस थे कि किसान जिस दिन फसल बोना तय करता है उस दिन से लेकर के वो फसल काट करके अपने घर ले जाता है, उसके बीच में जितने कुल दिन होते हैं उतने कुल दिनों में एक भी दिन वो रात में चैन की नींद नहीं सो सकता, कि उसको प्रतिदिन अन्य तरह की, नई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट और मौसम, ये दो बड़ी चुनौतियां किसान के सामने हमेशा सामने सिर जो है मुंह खोल करके, सुरसा की तरह मुंह खोल करके खड़ी रहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिराज हुसैन साहब को, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जिस तरह से इन्होंने काम किया, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में आंकड़ों की चर्चा नहीं करना चाहता, आशीष भूटानी जी ने सब आपके सामने रखा है, और क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं 2 दिन से इस विषय पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, चर्चा के बाद में बहुत सारा अमृत भी निकलेगा और वो अमृत शायद आगे के समय में नीति निर्धारण के लिए उपयोगी भी होगा। लेकिन देश का कृषि मंत्री नहीं, देश कृषि राज्य मंत्री नहीं, देश का किसान होने के नाते ये बात कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र ऐसा देश के किसान ने महसूस किया है, क्योंकि पूर्ववर्ती समय में जो इंश्योरेंस स्कीम्स हुआ करती थी वो केवल क्रॉप का इंश्योरेंस, अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट के इंश्योरेंस तक ही बात करती थी। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ, 70 साल में से 63 साल ऐसे हमारे यहाँ लगभग अकाल पड़ा है, कभी 25% जो है ड्राउट रहा है, कभी 50% ड्राउट रहा है, कभी 75% ड्राउट रहा है, कभी 100%, कभी कंजिक्यूटिव 2-3 साल ऐसा ड्राउट रहा है। यह अलग बात है कि इन विपरीत परिस्थितियों के लगातार होने के कारण से वहां के किसान ने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी मेरे पश्चिमी राजस्थान में एक भी सुसाइड का केस, फार्मर सुसाइड का केस रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम अपने डेवलप किए, उस दृष्टिकोण से अपने आप को अक्लमेटाइज किया, अपने आप को ग्रूम किया। लेकिन जिस तरह की चुनौतियां कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आती थी कि किसान सोइंग के लिए तैयारी करता है, खाद और बीज इनपुट को इकट्ठा करता है, कर्ज लेकर के उनको लेकर के घर आता है, खेत को तैयार करता है, और उसके बाद में बारिश का यदि वो इंतज़ार करता रहे और बारिश नहीं हो
तो उसका इस सारे एक्सपेंडिचर का कोई रक्षक नहीं था। वहां से लेकर के प्रत्येक दिन किसान जिस दिन फसल काट करके घर ले जाता है, वो पूरा अम्ब्रेला कवरेज जो स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस तरह की एक स्कीम हो जो किसान को एक अम्ब्रेला कवरेज प्रदान करे, ये अम्ब्रेला कवरेज प्रदान करने का काम इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किया है। और जब मैं ये कह रहा था कि ये कवरेज प्रदान करने वाला करने वाले सुरक्षा चक्र प्रदान करने वाले 5 सालों के रूप में ये जो है ये देश की सरकार मोदी जी की सरकार का ये 2014 से 2019 तक का कालखंड याद किया जाएगा। फसल बीमा से आगे बढ़ कर के गाँव के जो गरीब साधारण आदमी देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों को हेल्थ जो है इंश्योरेंस एक सुरक्षा चक्र स्वास्थ्य का देने का काम भी इस सरकार ने जो है प्रेजेंट बजट में अनाउंस किया है। तो ये सुरक्षा देने वाले 5 साल जो देश के अधिसंख्य आबादी को, जो देश की लगभग 70% आबादी है, उस आबादी को एक सुरक्षा चक्र प्रदान करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। जैसा मैंने कहा कि आंकड़ों के बारे में विस्तार से बात करने का समय नहीं है, न उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि आप सब लोगों के पास में निश्चित रूप से उपस्थित हैं और जो सर रिपोर्ट सभी शिराज हुसैन साहब ने और जो है बनाई है, जो पेपर लिखे हैं, उनमें इन सब आंकड़ों की विशेष रूप से चर्चा की गई होगी कि किस तरह से 2014-15 के साल के जो है रेफरेंस में यदि 2016-17 के साल के आंकड़े देखें लगभग दुगना कवरेज हुआ है, लेकिन अभी इसमें और विस्तार की संभावनाएँ भी हैं। जो परिचालन संबंधी समस्याएं हैं, उन परिचालन संबंधी समस्याओं के बारे में आशीष जी ने अभी हम सब लोगों के सामने बात कही है कि किस तरह से स्टेट्स का कोऑपरेशन नहीं होने के कारण से या बराबर लय ताल में स्टेट काम नहीं करना कर पाने के कारण से, और क्योंकि एग्रीकल्चर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, सीधे केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की संभावनाएं कम होने के कारण से, स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस कम होने के कारण से जिस तरह की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के कारण से जो चुनौतियां सामने आ रही है, उन चुनौतियों के बारे में, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए भी निश्चित रूप से आज की कॉन्फ्रेंस और जिस तरह कल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 दिवसीय कार्यशाला कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों पर हुई थी, अनेक स्टेक होल्डर्स ने बैठ करके लगातार पिछले 3 महीने तक अनेक विषयों पर मंथन किया था और उससे बहुत इनोवेटिव आइडियाज इन सब विषयों से जुड़े हुए विषयों पर भी आए हैं। आप सब लोग इस बारे में चिंतन कर रहे हैं, इस चिंतन का भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिणाम आया है जो इसको बेहतर करने की दिशा में सहयोगी होगा, लेकिन राज्यों को भी निश्चित रूप से इसके बारे में साथ आने की आवश्यकता है। और मैं ये चाहूँगा, क्योंकि फिक्की नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी नेशन वाइड प्रेजेंस है, इस तरह का जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टेक होल्डर्स का प्रदेशों के स्तर पर भी हो, जहाँ हम प्रदेशों के स्तर पर जाकर के लोगों से बात करें, इस बात की चेतना जागृत करें कि किस तरह से जो प्रदेश अब बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उन प्रदेशों की ताल में दूसरे प्रदेश भी जो नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रदेश भी किस तरह से साथ लाए जा सकते हैं, उस दिशा में चिंतन करें, उन मार्ग में आने वाले अवरोधों के बारे में बात करें और उन सारे समग्र मंथन के बाद में जो अमृत निकलता है उसको लेकर के हम इन योजनाओं की बेहतरी के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि एक किसान न होने के नाते मैं इस बात को, दर्द को ठीक से महसूस कर सकता हूं और इसकी आवश्यकता को भी ठीक से महसूस कर सकता हूं कि कितना बड़ा सुरक्षा चक्र जो है किसान को इस योजना ने प्रदान किया है। कुछ बातों की चर्चा अभी भूटानी जी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कर रहे थे कि किस तरह के चैलेंजेस हैं कि जो डेटा के क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा नहीं आने के कारण से आज जितने बड़े डेटा की आवश्यकता और उसके लिए जितने मैनफोर्स की आवश्यकता है, इसमें टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंड्यूस किया जा सकता है। आज सैटेलाइट इमेजिंग, आज आशीष भूटानी साहब के पास में हमारे मंत्रालय में जितने कुल लगभग 5 करोड़ 37 लाख जो 5 करोड़ 5.5 करोड़ किसान हैं, उन किसान जिन्होंने बीमा कराया, उनका टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका आधार कार्ड नंबर, उनकी रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, सिर्फ उनकी जमीन की अगर जियो टैगिंग हो जाए और उसको हम सैटेलाइट इमेज के साथ में जोड़ दें और हर तीसरे दिन अगर सैटेलाइट या हर 5 दिन में हमारे पास में सैटेलाइट पिक्चर और वीकली सैटेलाइट पिक्चर हो और उस खेत के किसान से जुड़े हुए जो है सारी जो चीज़ों को हम उसके साथ में लिंक कर सकें, न केवल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट सेक्टर, मनरेगा, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, इन सब चीज़ों में जो इम्प्लीमेंटेशन से में जो से संबंधित जितनी समस्याएं, उन समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया जा सकता है। और जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस विज्ञान ने जिस तरह से कृषि क्षेत्र को आगे भी बढ़ाया और जिस तरह से कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने का भी काम किया, इस विज्ञान की ताकत
ताकत के माध्यम से ही हम वापस इस कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो है इस कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से आप सब लोग चिंतन कर रहे हैं। मैं फिक्की का एक बार फिर धन्यवाद देते हुए आदरणीय सिराज हुसैन साहब का इस बात के लिए एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं कि रिटायर होने के बाद में भी अभी भी इस विषय के साथ में जुड़े रह करके हम सबको और अधिक अपने अनुभव से किस तरह से लाभ मिल सके इस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत सारा अभिनंदन, शुभकामनाएं, जय हिंद।